जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका चमत्कारी टूटके चैनल पर हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना फूल के अधूरा माना जाता है किसी भी पूजा के कार्यों में फूल का होना विशेष महत्व रखता है वैसे तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं किंतु फिर भी भक्त भगवान को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करते हैं इसके लिए ये जरूरी जानकारी होनी चाहिए की कौन से भगवान को कौन सा फूल पसंद है और कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए जिससे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए और हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण करे तो आइए जानते ते हैं लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे भगवान गणेश को हर तरह की फूल चढ़ाए जा सकते हैं किन्तु भगवान गणेश को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है अगर दुर्वा तीन व पाँच पत्तियों की हो तो ये अति उत्तम रहेगा परन्तु भगवान गणेश को तुलसी कदापि न चढ़ाए क्यूँकी भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया था इसीलिए इस बात का बहुत ही ख्याल रखे कि भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए शंकर जी को बहुत सारे फूल प्रिय हैं, किंतु धतु का फूल बहुत अत्यधिक प्रिय है इससे अतिरिक्त हर सिंहार नाग केसर बेलपत शमी पलाश व सफेद कमल भी भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय है शंकर जी को कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि भगवान शंकर ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया था इसीलिए ध्यान रखें कि भगवान शंकर की पूजा में कभी भी केतकी का पुष्प अर्पित ना करें माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब व लाल कमल का फूल बहुत ही अधिक प्रिय है इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो पूजा करते समय लाल गुलाब व लाल कमल के फूल का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए तो इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मुरादे अवश्य पूरी करती है भगवान विष्णु तुलसी चढ़ाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु को कमल चमेली केवड़ा बेला बसंती जूही तथा चंपा इत्यादि फूल अधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प जैसे पीला कनेर व पीला गेंदा आदि भी चढ़ाना अच्छा होता है भगवान विष्णु को पालन करता कहा जाता है इसलिए भगवान विष्णु पर पीले रंग के फूल चढ़ाना अत्यधिक शुभ माना जाता है हनुमान जी को लाल गुलाब व लाल गेंदे के फूल अधिक प्रिय हैं। यदि आप इन्हें मंगलवार को लाल रंग के पुष्प अर्पित करते हैं तो ये जल्दी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मुराद जल्दी पूरी करते हैं माता दुर्गा को गुड़हैल का फूल अत्यधिक प्रिय है इस फूल से आराधना करने ऐसी माँ भगवती जल्दी प्रसन्न होती है माँ दुर्गा को दुर्गा कभी नहीं चढ़ानी चाहिए अगर व्यक्ति अपने घर में माता का जागरण कर रहा है तो जागरण में गुड़हैल के फूल का अत्यधिक इस्तेमाल करे इससे माता जल्दी प्रसन्न होती है और भक्त की सारी मुरादे पूरी करती हैं। भगवान सूर्य को आग का फूल अत्यधिक प्रिय है शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर सूर्य को एक आग का फूल अर्पित कर दिया जाए तो सोने की दस अशर्फियों को चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है सूर्य को धतुरा अपराजिता आमड़ा तगर आदि का फूल कभी ना चढ़ाए दोस्तों इसी तरह की और बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल चमत्कारी टोटके के साथ जय माता दी